ये स्पेक्स तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं लिटिल किटी। अरे नहीं, तुम्हें तो कंजंक्टिवाइटिस हो गया है लिटिल किटी। प्लीज स्पेक्स को दोबारा पहन लो। हे दोस्तों, आप लोग तो पहले से ही यहीं पर हैं। जैसा कि आपने देख ही लिया, लिटिल किटी को कंजंक्टिवाइटिस हो गया है। और वो क्या है? तो आज के एपिसोड में आइए जानते हैं बचपन में होने वाली इस बहुत ही आम बीमारी के बारे में और ढूंढते हैं जवाब एक सवाल का, कंजंक्टिवाइटिस आखिर होता कैसे है? ज़ोमैन। तो एक सुबह आप उठते हैं और आपकी आंखें चिपक जाती हैं, तो आप आंखों को खुजाते हुए आईने के सामने पहुंचते हैं और देखते हैं कि आपकी आंखें लाल और मोटी हो गई हैं, और आप टेंशन में आ जाते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है। तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है मेरे दोस्तों, क्योंकि आपको हुई है एक बहुत ही आम सी बचपन की बीमारी जिसे कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, या आम तौर पर पिंक आई। हाँ, कंजंक्टिवाइटिस एक बहुत ही आम कंडीशन है जिसमें आंखों में जलन, सूजन और आंखों की झिल्ली का लाल हो जाना होता है, और उसके बाद आंखों में एक तरह का सफेद सा, पीला या हरा सा लिक्विड जमा होने लगता है। पिंक आई होने के कई कारण जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि एलर्जीज या केमिकल एजेंट्स, पर ज्यादातर बच्चों को ये वायरस या बैक्टीरिया के कारण होते हैं। लेकिन खास सवाल ये है कि पिंक आई होता कैसे है? तो इससे पहले कि हम इस पर नजर डालें, तो चलिए हम सब जानते हैं आई बॉल की सतह पर रहने वाले एक लेयर के बारे में जिसे कहते हैं कंजंक्टिवा। जरा प्रोजेक्टर चलाइए। तो ये होती है आपकी आंख की एनाटॉमी, और कंजंक्टिवा एक पारदर्शी और पतली सी झिल्ली होती है जो आंख की बाहरी सतह को कवर करती है और साथ ही पलकों की अंदरूनी सतह को भी। इसका अहम काम है आंखों की बाहरी सतह पर नमी और चिकनाई बनाए रखना और उन्हें सुरक्षित रखना धूल से, मलबे से और इन्फेक्शन फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। दोस्तों, इसमें कई सारे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं जो आंखों और पलकों को न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन जब एक हानिकारक वायरस आंख में घुसता है जिससे सर्दी जुकाम वगैरह होता है, उससे होती है दोस्तों जलन और कंजंक्टिवा में इन्फेक्शन, जो आखिरकार एक दिक्कत की शक्ल ले लेता है जिसे कहते हैं कंजंक्टिवाइटिस। इससे कंजंक्टिवा के छोटे ब्लड वेसल्स में भी सूजन आ जाती है, जिससे आपकी आंखों का सफेद हिस्सा हो जाता है लाल या गुलाबी। वैसे दोस्तों, कंजंक्टिवाइटिस कोई बहुत खतरनाक बीमारी नहीं होती है और कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है, लेकिन ये बहुत कंटेजियस होता है। हाँ मेरे दोस्तों, अगर कोई इन्फेक्टेड इंसान अपनी आंखों को छूता है और फिर अनजाने में आपको छू देता है, और फिर अगर आप अपनी आंखों को छू लें, तो इन्फेक्शन आपको भी फैल सकता है। खांसना और छींकना भी वो तरीके हो सकते हैं जिनसे ये इन्फेक्शन आपके दोस्तों के बीच फैल सकते हैं। तो जिस इंसान को पिंक आई है, उसके लिए जरूरी है कि वो स्कूल से छुट्टी लेकर घर पर रहे इसे फैलने से बचाने के लिए। और अगर आपने किसी इन्फेक्टेड इंसान को छू लिया है, तो अपने हाथों को साबुन और गर्म पानी के साथ धोना मत भूलिएगा। ट्रिविया टाइम। क्या आपको पता है कि दोस्तों पिंक आई का इलाज इस बात पर डिपेंड करता है कि वो बैक्टीरियल है, वायरल है या फिर एनवायरमेंटल कारणों की वजह से है? हाँ, बैक्टीरियल पिंक आई के लिए एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स या फिर आई ड्रॉप्स बहुत ही ज्यादा कारगर साबित हुई हैं। लेकिन अगर पिंक आई वायरल है, तो उसे ठीक होने में जितना समय लगता है वो लगेगा ही। आप वायरल पिंक आई के लक्षणों का इलाज कर सकते हैं आई ड्रॉप्स और गर्म या ठंडी सिकाई करके, लेकिन हमेशा अपने पेरेंट्स की सलाह लेने के बाद।
और खासकर डॉक्टर की, अपनी आंखों पर कुछ भी लगाने से पहले, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। उम्मीद है आज के एपिसोड में मजा आया होगा। मिलते हैं अगली बार। मैं हूं डॉक्टर बायनॉक्स, जूमिंग आउट। आह, मुझे किसने छू लिया।